तो आज ये वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जे स्टूडेंट्स माने सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस जी टू सब्जेक्ट रखी चंते तो समान को पंचम अध्याय जोंडे के रही होची मानव परिवेश पारस्परिक क्रिया संबंध रे थिबा गोटी इंपोर्टेंट टॉपिक जोंडे के सहज एवं सेते कष्ट मध्य। तो आज आमे आलोचना करिया परिवेश रो प्रकार भेद टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट एइटा तुमको सहज लागुथिबो मु जानी छे तथापि एइटा ठीक से बुझिबो हैला। तो देख परिवेश को दुई भाग रे विभक्त कराई जे ता प्राकृतिक ओ मानवीय ना कोनो आमर ई परिवेश को दुई भाग रे विभक्त करा जाई छि गोटी को प्राकृतिक परिवेश कहा जायथुआ बेले अन्य डी को मानवीय परिवेश कहा जाए। तो एबे आमे देखिबा ई प्राकृतिक परिवेश कहिले कोनो एवं मानवीय परिवेश कहिले कोनो। तो फास्ट आमे देखिबा प्राकृतिक परिवेश बा नेचुरल एनवायरमेंट ना एइटा कोनो प्राकृतिक परिवेश जल स्थल वायु उद्भिद ओ प्राणी मानन को नै गठित आमे जो प्राकृतिक परिवेश कहूँ तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट तो ये प्राकृतिक परिवेशटा जल स्थल एवं वायु एवं उद्भिद एवं प्राणी मान प्राकृतिक परिवेश नहीं कि गठित तो होई परिवेश रे उभय सजीव और निर्जीव पदार्थ गुड़िक रही था। तो ये प्राकृतिक परिवेश रे उभय सजीव पदार्थ एवं निर्जीव पदार्थ रही था जमीक सजीव जदि एग्जांपल हिसाब से देखा सजीव गोटे कौन मनीष आम गोटे सजीव तापर छेली ही गोले मेंढा ही गोले समस्ते पशुपक्षी गोटे गोटे सजीव है जो मान जीवन अच्छे सजीव कहा जाए निर्जीव जो मान जीवन ना जमी टेबुल इत्यादि यहाँ बुझीगल। तेणु प्राकृतिक परिवेश को दुईट श्रेणी में विभक्त करा जाए ना कौन ये सजीव और निर्जीव पदार्थ हिसाब से आमर ये प्राकृतिक परिवेश को दुई भाग में विभक्त करा जाए। तो सेटा हूँ देख गोटे को अजैविक परिवेश कह अन्डे को जैविक परिवेश कह जाए ठीक से बुझ। एवं देखिए आम जैविक परिवेश अजैविक परिवेश तो देख फास्ट है अजैविक परिवेश यहाँ कौन जड़ वस्तु व भौतिक उपादान को नहीं परिवेश सृष्टि होता है। ये अजैविक परिवेशा विशेषकर जड़ वस्तु सब जमीक भौतिक उपादान गुड़ी नहींकर अजैविक परिवेशा सृष्टि होती से तेणु यह अजैविक व भौतिक फिजिकाल परिवेश कहा जाए। उदाहरण स्वरूप जदि देखा ये अजैविक परिवेश रो मूर्तिका जोटा कि तुम माटी कह जल जोटा कि पानी कह वायु जोटा कि पवन कह तो यहाँ सब हूँ अजैविक परिवेश। तो ये अजैविक परिवेश कौन तुम मैंने बुझीगल तापर आम नेक्स्ट देखा जैविक परिवेश यहाँ कौन जैवमंडल उद्भिद और प्राणी मान द्वारा ये परिवेश सृष्टि होता है ना कौन जैवमंडल जो उद्भिद गुड़ाक रोचे एवं प्राणी मान द्वारा यहाँ मिसिकी उभय उद्भिद और प्राणी मान द्वारा जोटा मिसिकी जो परिवेश जोटा मिसिकी होता है जैविक परिवेश कहा जाए। तेणु यह जैविक परिवेश कह जाए देख यह सजीव मान क्रिया प्रतिक्रिया और पारस्परिक क्रियाकलाप को बुझाए ना कौन ये जैविक परिवेश जैविक परिवेश सजीव मान क्रिया व कार्य तांकर प्रतिक्रिया एवं पारस्परिक क्रिया कार्यकलाप गुड़िक बुझाई था। जदि आम जैविक परिवेश जदि आम उदाहरण देखमा तो उदाहरण तो ये आम गोटे फास्ट जमी प्राणी उद्भिद अणुजीव एवं से पारस्परिक संपर्क तो ये हूँ जैविक परिवेश उदाहरण। तो जिते भी मुझे बुझेली यहाँ तुमको आउ थे एक्सप्लेन करदे सर्टकट्रे तुम ठीक से बुझीज है आमर परिवेश को दुई भाग में विभक्त कर तो गोटी को प्राकृतिक परिवेश कह अटी को मानवीय परिवेश कहा जाए। तो जो प्राकृतिक परिवेशा देखमा प्राकृतिक परिवेशा देख है ये प्राकृतिक परिवेशा जल स्थल वायु एवं उद्भिद एवं प्राणी मानक नहींकटा गठित होते से आउ प्राकृतिक परिवेश सजीव एवं निर्जीव पदार्थ गुड़िक रही थवर एग प्राकृतिक परिवेश के दुई भाग विभक्त कर तो सेटा कौन कौन फास्ट अजैविक परिवेश एवं अन्यटी जैविक परिवेश। तो फास्ट आम देख अजैविक परिवेश ना यहाँ कौन ना जड़ वस्तु आउ भौतिक उपादान गुड़ी नहीं जेन परिवेश सृष्टि होती से ताको अजैविक परिवेश बोली कहा जाए। जदि उदाहरण देखा ये अजैविक परिवेश माटी पानी पवन इत्यादि तो यहाँ अजैविक परिवेश जैविक परिवेश कौन ना जैवमंडल उद्भिद और प्राणी मान द्वारा जेन परिवेश सृष्टि होती से ताके जैविक परिवेश कहा जाए से एवं ये जैविक परिवेश रे
सजीव मान कार्य क्रिया प्रतिक्रिया तापरे पारस्परिक क्रियाकलाप कार्यकलाप को बुझाई था। जदि आम जैविक परिवेश जो उदाहरण आम देखा प्राणी उद्भिद और जो संपर्क रही होचे तो से संपर्कटा हो रहा उदाहरण तो यहाँ ठीक से बुझीगल है। तो तापर आम देखा कौन मानवीय परिवेश प्राकृतिक परिवेश कौन ठीक से बुझीगल तापर आम देखा मानवीय परिवेश ह्यूमन एनवायरनमेंट ना यहाँ कौन प्राकृतिक परिवेश मध्य मनुष्य निजर सुख और समृद्धि तार ज्ञान और कारीगरी कौशल बल में केतक पर आनीपारी तेणु मनुष्यकृत परिवर्तित परिवेश को मानवीय व सांस्कृतिक परिवेश कहुए ठीक से बुझाला मानवीय परिवेश कौन ना प्राकृतिक परिवेश कौन ठीक से बुझीगल तो ये प्राकृतिक परिवेश मनुष्य निजर सुख हो कि दुख हो जो समृद्धि तार ज्ञान एवं कारीगरी कौशल जो जो केतक परिवर्तन गुड़ाक आनी तो एथिपाई यहाँ मानवीय परिवेश सांस्कृतिक परिवेश कहुए ना कौन कारीगरी ज्ञान कौशल जो आम समाज कौन एवं उन्नतिर चरम सीमार पहुँचुचे जेहेतु एवं तुम्हें जो जो आड़े गले भी समस्त जंत्रपाति सब द्वारा सब कम हो सब कार्य हो तो एथिपाय मनुष्य किसी ना कि तो परिवर्तन आनी ना तो एथिपाय यहाँ मानवीय परिवेश सांस्कृतिक परिवेश कहुए ये मानवीय परिवेश कहले जनसंख्या और जनबसति और राजनीतिक तथा सामाजिक अनुष्ठान संगठन को बुझाए जदि आम मोटामोटी भाव में जो देखमा मानवीय परिवेश बेले क्या कहसी बेले जनसंख्या एवं जनबसति आउ राजनीतिक तथा सामाजिक अनुष्ठान संगठन गुड़ाक जो रही अच्छे तो यह मोटामोटी भाव में यहाँ मानवीय परिवेश कहुएसी तो ये मानवीय परिवेशटा कौन तुमको आउ थे मुझे एक्सप्लेन करदे सर्ट हिसाब से देख मानवीय परिवेश कौन देख प्राकृतिक परिवेश मनुष्य निजर सुख एवं समृद्धि तार ज्ञान एवं कारीगरी कौशल बल रे से जेन भी सब परिवर्तन आनीचे समाज प्रति तो ताकि मानवीय परिवेश कहुएसन ताक मानवीय परिवेश कहुएसे आउ मानवीय परिवेश के सांस्कृतिक परिवेश कहुएसी जदि आम मानवीय परिवेशटा देखमा तो मुख्य गुड़ी जनसंख्या जनबसति राजनीतिक तथा तो सामाजिक अनुष्ठान एवं संगठन गुड़ाक नहीं कि यहाँ गठित होती गठन संगठन को ही बुझाई था बुझल तो ये मानवीय परिवेश ह्यूमन एनवायरनमेंट कौन बुझिपार तापर आम नेक्स्ट देखा संपूर्ण परिवेश टोटल एनवायरनमेंटा कौन जो देख मानवीय प्राकृतिक व मानवीय परिवेश परस्पर को प्रभावित करते ना कौन प्राकृतिक परिवेश मानवीय परिवेश गोटे अंगांगी भाव संपर्क रही होचे परस्पर को मैंने प्रभावित करते यार फलस्वरूप संपूर्ण परिवेश सृष्टि होता है ना कौन ये प्राकृतिक परिवेश मानवीय परिवेश जो परस्पर को प्रभावित करते तो यह द्वारा ये संपूर्ण परिवेश टोटल एनवायरनमेंट सृष्टि होती से ये परिवेश तीन गोटी मुख्य मंडल यथा देखिपार भौतिक अश्ममंडल बारिमंडल वायुमंडल और जैविक मानवीय सामाजिक राजनीतिक कार्यकलाप मंडल पारस्परिक संबंधर समारोह जो होता है ना कौन ये जो टोटाल एनवायरनमेंटा अश्ममंडल बारिमंडल वायुमंडल जैवमंडल जो सब मंडल रही होटा तुमने ठीक से पढ़ु तो यह द्वारा ही यार समारोह जो ये संपूर्ण परिवेश टोटाल एनवायरनमेंटल सृष्टि हो तो तुमको सर्ट हिसाब से तुमको बुझाई दूचे संपूर्ण परिवेश माने प्राकृतिक परिवेश मानवीय परिवेश से प्राकृतिक परिवेश जिते भाग विभक्त करागला जैविक परिवेश हो कि अजैविक परिवेश होगा तो से प्राकृतिक परिवेश मानवीय परिवेश उभय मिसिकरी जो परिवेश सृष्टि होता है तो ताकि संपूर्ण परिवेश टोटाल एनवायरनमेंट बोली कहुए से तो तुम्हें ये भिडियो संपूर्ण भाव में तुमने जानीगल तो परिवेश प्रकार भेद संपर्क टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली भिडियो भल लगे जब भिडियो भल लगे तेज निहाती गोटे शेयर करदे तुम सांगसाथी को ये भिडियो।